हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलजिंदर सिंह फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल श्री मुक्सर साई। हाउ आर यू बेटा? होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3, चैप्टर नंबर 6, टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, स्लोप स्लोप ऑफ अ लाइन Now, beta, we know that if a line make an angle theta, if a line make an angle theta with the x-axis, then slope of line will be m is equal to tan theta. अगर बेटा कोई मेरे पास लाइन है वो x-axis के साथ एंगल थीटा बना रही है तो उसकी स्लोप क्या होगी बेटा? m इज इक्वल टू tan थीटा। तो m से बेटा स्लोप को डिनोट करते हैं। और बेटा इफ अ लाइन पास थ्रू टू पॉइंट्स से x1 y1, x2 y2, देन स्लोप विल बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये बेटा कंसेप्ट हम प्लस वन क्लास में कर चुके हैं, जस्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। इफ L1 पैरेलल टू L2, वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन 1 दैट इज M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 दैट इज M2। इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, दिस इंप्लाइज M1 डॉट M2 is equal to minus 1, where M1 is a slope of line 1 and M2 is a slope of line 2. Now, if theta is angle between two lines, say L1 and L2, then tan theta is equal to m1 minus m2 mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, where beta m1 is a slope of line 1 and m2 is a slope of line 2. Now beta, next definition, equation of line. Now beta, we know that if a line passing through the point x1, y1 and whose slope is m, then equation of line will be y minus y1 is equal to m time x minus x1. Here beta, x and y is any point on that line, means xy is a general point on line xy. Now, let a point xy lie on the line. Second point beta, x1, y1. Now, we know that slope is equal to y1 minus y2, y minus y1 upon x minus x1. तो बेटा मैंने इस पॉइंट को क्या चूज किया? x2, y2. ठीक है, ये x1, y1 जस्ट बोलने में है बेटा, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे। तो इन दोनों का बेटा अगर मैं y वाले मतलब ऑर्डिनेट से बेटा ऑर्डिनेट माइनस करूँ और अब्सिसा से अब्सिसा माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? स्लोप के इक्वल आता है m के इक्वल। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। नाउ बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, वी गेट y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू
एक्स माइनस एक्स वन। अगर मैडम मैं किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूँ, टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन ही है, तो अगर मैं उसकी स्लोप इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूँ तो बेटा मुझे क्या चाहिए, उसकी एक स्लोप चाहिए और एक पासिंग पॉइंट चाहिए। तो अब मुझे बेटा जो काम करना है वो जस्ट यही काम करना है कि मैं टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड करूँ, और मेरा चैप्टर क्या चल रहा है बेटा, डेरिवेटिव, तो मैंने डेरिवेटिव का यूज़ करना है। तो आप बेटा प्लस वन क्लास में कर चुके हो, डी वाई बाई डी एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट से पी एट पी और राइट एफ डैश एक्स एट पी। सपोज बेटा मेरे पास कोई कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। बेटा एफ डैश एक्स वी नो दैट इज इक्वल टू टू एक्स। नाउ बेटा डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज बेटा वी हैव टू फाइंड एफ डैश टू, दैट इज टू इंटू टू, आंसर इज फोर। तो बेटा जो मेरा एफ डैश एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी इज इक्वल टू फोर, अगर मेरे एक्स की वैल्यू पी पे बेटा क्या है टू, तो सबसे पहले बेटा आपको मतलब इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, एफ डैश एक्स एट अ पी का मतलब क्या है कि मैं डेरिवेटिव करने के बाद जो मेरा पॉइंट होगा बेटा उसके उसमें बेटा आप सीसा की वैल्यू पुट करूंगा। सपोज मेरे पास पॉइंट है टू थ्री, तो बेटा मैंने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, अगर डेरिवेटिव बेटा y की फॉर्म में है तो y की वैल्यू भी पुट करोगे आप 3। आप प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हो डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो प्लस वन क्लास में बेटा सीख चुके हैं dy वाई बाई डी एक्स एट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। मतलब कोई भी मेरे पास बेटा कर्व है, सपोज मेरे पास कर्व है बेटा इस टाइप की, कोई भी मैं आप रैंडमली बेटा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर बेटा सपोज मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, अब मुझे इसकी स्लोप चाहिए, इस टेंजेंट को मैं नाम दे रहा हूं बेटा L1 और इसकी स्लोप को नाम दे रहा हूं M1। देन बेटा M1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट से बेटा P, तो मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को नेम क्या दे रहा हूं बेटा P। देन स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पी। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट 2, 3। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी फर्स्टली बेटा वी विल फाइंड dy बाई डी एक्स, वी गेट 8x प्लस 3। नाउ बेटा जो डेरिवेटिव है जस्ट किसकी फॉर्म है बेटा, x की फॉर्म है, तो मैं x की वैल्यू क्या फिल करूंगा 2। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, 3 टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू बेटा हेयर वी विल पुट x इज इक्वल टू 2, दैट इज 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 3 टू द कर्व इज इक्वल टू 19। तो बेटा मैंने सीख लिया, हम सीख चुके हैं कि एक टेंजेंट की स्लोप डेरिवेटिव का यूज करके कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको बेटा एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, गिवन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज अ कर्व, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट 1, 4। सपोज वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 4 टू दी कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। नाउ बेटा इक्वेशन फाइंड करने के लिए मेरे माइंड में पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने करना क्या है बेटा, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की, तो मुझे बेटा किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए टू थिंग्स चाहिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, सेकेंड बेटा स्लोप। तो मेरे पास पॉइंट तो है, क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है बेटा,
ठीक है, अगर पॉइंट नहीं दिया होगा तो स्लोप दी होगी, दोनों में से एक चीज तो गिवन होगी, कर्व भी गिवन है और पॉइंट या स्लोप में एक चीज गिवन होगी, सेकंड चीज हम बेटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास बेटा पॉइंट है तो मुझे क्या चाहिए, जस्ट मिसिंग क्या है मेरे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो मैं जानता हूँ बेटा उसका लिए उसका फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्टली वी विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वी गेट टू एक्स। नाउ फॉर स्लोप बेटा वी फाइंड द डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज 1/4। नाउ बेटा पुट एक्स इज इक्वल टू 1, वी गेट 2। 2 इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इन टू एक्स माइनस एक्स वन। नाउ बेटा y माइनस वाई वन, वाई वन इज 4 बेटा, हेयर दिस इज एक्स वन एंड वाई वन, पुट हेयर वी गेट 2 टाइम एक्स माइनस एक्स बेटा एज इट इज एक्स वन इज इक्वल टू 1, वी गेट वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बाय सिंप्लीफाई वी गेट 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आंसर। तो बेटा दिस टॉपिक कवर योर सम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो बेटा एनसीईआरटी बुक में से एनसीईआरटी की 6.3 एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है। जस्ट बेटा आपने टेंजेंट की इक्वेशन के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, नॉर्मल के नहीं, अभी तक मैंने नॉर्मल का कंसेप्ट नहीं कराया। जस्ट जो एनसीईआरटी में बेटा टेंजेंट्स के क्वेश्चन होंगे जस्ट वही ट्राई करने हैं आपने। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।